हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना गुरु जी पे। मैं आपका दोस्त सुजीत पले हूं, आपको फिजिक्स साथ मोहब्बत करवाने। इफ़ यू वांट टू लर्न फिजिक्स इन ए सिंपल वे, देन बने रहिए मेरे साथ अपना गुरु जी पे। दोस्तों, इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोग डिस्कशन किए थे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। अगर न्यूटन्स सेकेंड लॉ के बारे में आप पूरी कंप्लीट तरीके से जानना चाहते हैं तो वीडियो के आखिरी तक बने रहिए, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो न्यूटन्स फर्स्ट सेकेंड लॉ जानने से पहले हमको जानना पड़ेगा मोमेंटम के बारे में। तो व्हाट डू यू मीन बाय मोमेंटम, ये मोमेंटम होता है क्या? ठीक है दोस्तों, तो देखो कोई भी बॉडी मोशन में रहता है, ठीक है, तो मोशन में रहते वक्त जिसमें उतना द अमाउंट ऑफ मोशन कंटेंट बाय द बॉडी, उस बॉडी में कितना मोशन रहता है, एक बॉडी मोशन में है वो कितना मोशन में है, उसमें मोशन का अमाउंट कितना है, द मेजरमेंट ऑफ मोशन। एक बॉडी अगर मोशन में है तो उसका मेजरमेंट ऑफ मोशन जाएगा, उसे हम बोल सकते हैं मोमेंटम। द मोमेंटम इज जनरली नोन एज द अमाउंट ऑफ मोशन कंटेन बाय ए बॉडी, और मोमेंटम का सिंबल रहता है ये पी, और इसको हम लिख सकते हैं बॉडी का, देखो मास होगा और बॉडी मोशन में मतलब क्या वेलोसिटी में होगा इनटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम आता है हमारा पी इक्वल्स टू एम वी आता है, मास इनटू वेलोसिटी। बॉडी का तो मास होगा, क्योंकि अगर बॉडी का मास नहीं तो मोशन में कहाँ से आएगा, तो बॉडी का मास है, और अगर बॉडी मोशन में है तो उसका वेलोसिटी जुड़ेगा ना, बिना वेलोसिटी का मोशन थोड़ी आएगा। अगर बॉडी का मोशन में है तो उसका मोमेंटम कितना ज़्यादा आएगा अगर वेलोसिटी इंक्रीज करता गया। तो ये जो मोमेंटम है कि नहीं, मोमेंटम डिपेंड करता है किसके ऊपर, ये वेलोसिटी के ऊपर। वेलोसिटी जितना चेंज होता जाएगा मोमेंटम, अगर वेलोसिटी, मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी बढ़ा तो मोमेंटम बढ़ेगा, वेलोसिटी घटा तो मोमेंटम घटेगा। क्यों? क्योंकि द अमाउंट ऑफ मोशन कंटेंट बाय बॉडी, मोशन कितना होगा किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर वेलोसिटी बढ़ते जा रहा है तो क्या होगा, मोमेंटम भी बढ़ते जाएगा, अगर वेलोसिटी घटते जा रहा है तो मोमेंटम भी घटते जाएगा। तो हम लोग ये मोमेंटम जो है सेकेंड लॉ में उसका टर्म यूज किया गया, इसलिए हम लोग मोमेंटम के बारे में जान लिए। अभी मोमेंटम के बाद हम लोग देखेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जाने से पहले आप लोग एक चीज़ को नोटिस कीजिए, कभी भी एक नेट फिक्स्ड अमाउंट ऑफ फोर्स, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ फोर्स दो ऑब्जेक्ट को दिया जा रहा है, ठीक है, एक लाइटर ऑब्जेक्ट एक हैवियर ऑब्जेक्ट, एक लाइटर ऑब्जेक्ट है और एक तो हैवियर ऑब्जेक्ट है। इफ़ यू आर गिविंग द सेम अमाउंट ऑफ फोर्स टू द टू बॉडीज, इस हैवियर ऑब्जेक्ट में आप जितने अमाउंट ऑफ फोर्स दे रहे हो, इस लाइटर अमाउंट में भी उतना ही अमाउंट ऑफ फोर्स दे रहे हो, तो आप एक चीज़ नोटिस करोगे वहाँ पे कि उसका जो चेंज इन मोमेंटम आएगा, हो सकता है ये थोड़ा स्पीड मोशन करे, ये थोड़ा स्लोली मोशन करे, लेकिन जो चेंज इन मोमेंटम जो आएगा वो क्या आएगा, दोनों का सेम आएगा। आप इसका सिंपली जो ग्रेविटेशन लॉ का आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि कोई भी एक हैवियर पार्टिकल ले लेते हैं, एक तो लाइटर पार्टिकल ले लेते हैं, उसको अगर बिना फोर्स दिए हम लोग छोड़ेंगे तो सिंपली एक ही फोर्स उनके ऊपर एक्ट हुआ जो कि है ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हुआ, तो दोनों के ऊपर सेम फोर्स एक्ट होगा। तो वहाँ पे आप लोग क्या ऑब्जर्व करोगे, वहाँ जो चेंज इन मोमेंटम है वो क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है, दोनों एक साथ ही ग्राउंड में पहुँचेंगे, वो क्या आएगा, चेंज इन मोमेंटम सेम आएगा, इसलिए उसका एक्सेलरेशन 9.8 हर ऑब्जेक्ट के लिए रहता है, ठीक है। तो अब देखते हैं न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या है, जो एक साथ क्यों गिरता है नीचे, ठीक है, और जो बॉडी अगर हैवियर बॉडी हुआ या लाइटर बॉडी हुआ, ठीक है, उसके अगर हम लोग सेम अमाउंट ऑफ फोर्स दे रहे तो चेंज इन मोमेंटम सेम आ रहा है, तो उसके बारे में एक्सप्लेन कौन किए थे, न्यूटन किए थे, उस सेकंड लॉ के बारे में। और जो न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, जैसे एक्चुअल लॉ ऑफ मोशन, क्योंकि इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी इसका मिलता है, फर्स्ट लॉ का कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम लोग नहीं दिए थे, तो ये एक्चुअल रियल लॉ ऑफ मोशन है। तो देखते हैं एक्चुअल लॉ ऑफ मोशन क्या है, इट स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड अपॉन इट। तो हम लोग फर्स्ट लॉ में क्या देखे थे, एक बॉडी अगर रेस्ट में है तो अपना रेस्ट का पोजीशन को मेंटेन करके रखना चाहेगा, अगर एक बॉडी मोशन में है तो अपना मोशन का स्टेट को मेंटेन करके रखना चाहेगा। तो उसी को थोड़ा सा एक्सचेंज करके यहाँ पे क्या लिखे, एक बॉडी का मोमेंटम कितना चेंज होगा, ठीक है, एक बॉडी का मोमेंटम कितना चेंज होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्शनल अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है क्या बॉडी का मोमेंटम कितना चेंज होगा, ठीक है। अगर ज़्यादा फोर्स अप्लाई किए तो मोमेंटम ज़्यादा चेंज होगा, अगर कम फोर्स अप्लाई किया तो मोमेंटम कम चेंज होगा। अभी और एक चीज इसमें क्या है, द चेंज टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स, और जो चेंज होगा मोमेंटम में वो चेंज किस डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में तुम फोर्स अप्लाई किए हो उसी डायरेक्शन में उसका मोमेंटम चेंज होगा। तो न्यूटन का सेकेंड लॉ हमारा, हम लोग इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि द चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑफ द बॉडी, ये एक पार्ट है, पार्ट नंबर वन, और सेकेंड पार्ट क्या है, द चेंज टेक्स प्लेस इन द अप्लाइड फोर्स, ये टू सेकंड पार्ट। तो चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड, मतलब यहाँ पे मोमेंटम जो चेंज होगा, मोमेंटम क्या है, मास इन टू, मोमेंटम जो चेंज होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, फोर्स के ऊपर, मतलब फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम चेंज होगा। तो मोमेंटम क्या है, मास इन टू वेलोसिटी है, और चेंज इन मोमेंटम क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम,
बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स, द चेंज इन मोमेंटम है कि नहीं। तो चेंज इन मोमेंटम क्या है, चेंज इन मोमेंटम ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन वेलोसिटी, एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सलरेशन, सो द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए, हम लोग लिख सकते हैं। हम लोग इसे डिराइव करेंगे कैसे आया ये। और दूसरा पार्ट क्या है, द चेंज टेक्स प्लेस इन द डिरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, और जो चेंज होगा मोमेंटम का, जो चेंज आया वो अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन में चेंज होगा। जैसे कि एक बॉडी इस डायरेक्शन में मोशन में है, तो मैं अगर यहाँ से अप्लाइड फोर्स, इस डायरेक्शन से फोर्स अप्लाइड किया, तो क्या होगा, इसका मोमेंटम जो इंक्रीज करेगा कि नहीं, किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में मोशन करा था उस डायरेक्शन में इंक्रीज करेगा मोमेंटम। और क्या होगा, अगर बॉडी इस डायरेक्शन में मोशन में है, मैं इस डायरेक्शन में अप्लाइड फोर्स किया, तो क्या होगा, मोमेंटम में डिक्रीज होगा, और फोर्स मोमेंटम चेंज किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। तो अप्लाइड फोर्स जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में ही मोमेंटम चेंज होगा। द चेंज टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, तो मोमेंटम का जो चेंज आएगा वो अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन में ही उसका चेंज आएगा। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, मेजरमेंट ऑफ फोर्स निकालेंगे। ठीक है, अभी न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है वहां से हम लोग क्या निकालेंगे, मेजरमेंट ऑफ फोर्स निकालेंगे। तो फोर्स का जो एफ यूज एम ए आया, एफ प्रोपोर्शनल टू एम ए, उसको हम लोग डिराइव करेंगे थोड़ा छोटा सा है। पहले क्या करेंगे, हम लोग मान लो एक बॉडी, एक बॉडी का मास कितना है, कंसीडर ए बॉडी, दिस इज मास हैविंग एम एंड मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ वी। बॉडी एम है, वो वेलोसिटी कितना है, वी वेलोसिटी से मोशन में है, तो उसका मोमेंटम कितना है, हमको मोमेंटम पहले पता है, मोमेंटम क्या बता दिया समय, पी इक्वल्स टू एम बी। ठीक है, ये हमारा मोमेंटम है। अगर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, Differentiating both side with respect to time t, टाइम t के रेस्पेक्ट, उसको अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो कितना आता है, डी पी बाई डी टी इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ एम वी। तो वी कैन राइट इज लाइक दैट, डी पी बाई डी टी इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी लिख सकते हैं। अच्छा, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डी वी बाई डी टी क्या है, एक्सेलरेशन है, मुझे पता है डी पी बाई डी टी क्या है, डी वी बाई डी टी को हम लोग डिस्कस करके ए लिख सकते हैं। चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है कि नहीं, तो डी पी बाई डी टी आया हमारा एम ए, मतलब चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन आया। अभी हमको न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग हमको क्या पता है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ से हमें क्या पता है, न्यूटन्स लॉ बताए अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। न्यूटन्स लॉ बताते हैं अप्लाइड फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो अप्लाइड फोर्स को हम लोग एफ लेते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डी पी बाई डी टी। तो इसको हम लोग रिप्लेस करते हैं, एफ प्रोपोर्शनल टू डी पी बाई डी पी की जगह हम लोग डी टी की जगह हम लोग एम ए लिख सकते हैं, एम ए। तो एफ प्रोपोर्शनल टू मास इंटू एक्सेलरेशन है। अभी हम लोग क्या करेंगे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को अगर हटाएंगे तो एफ इक्वल टू हम लोग के एम ए लिख सकते हैं। अभी के का वैल्यू फाइंड करने के लिए वी टेक सच अ वे दैट कंसिडर एफ इक्वल्स टू वन एंड एम इक्वल्स टू वन एंड ए ऑल्सो इक्वल्स टू वन, देन वन इक्वल्स टू के इंटू वन इंटू वन, तो डिस इम्प्लाइज के इक्वल्स टू वन, सो पुटिंग दिस एफ इक्वल्स टू एम ए, वी कैन राइट लाइक दिस। ओके, सो फोर्स इक्वल्स टू एम ए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफरेंट जो इस न्यूटन का सेकेंड लॉ है वहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, फोर्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप जो चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हो, यहाँ पे जो एफ प्रोपोर्शनल टू एम ए आया, जो फोर्स है, ठीक है, अप्लाइड फोर्स एटली प्रोपोर्शनल मास इंटू एक्सेलरेशन, एक बॉडी है, ठीक है, तो एक छोटा जो बंदूक का गोली रहता है, ठीक है, बंदूक का गोली छोटा सा रहता है, वो जब स्पीड से आता है तब यहाँ पे क्या करता है, उसका फोर्स इफेक्ट ज़्यादा रहता है, लेकिन उसी बंदूक का गोली को मैं पास से थोड़ा ऐसे धीरे फेंकूंगा तो यहाँ पे कुछ इफेक्ट आएगा, नहीं आएगा। वो हमारा इफेक्ट क्यों आता है, क्योंकि उसका मास कम है लेकिन जो है एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा रहता है, इसी कारण से क्या होता है, जो फोर्स इफेक्टिव फोर्स ज़्यादा रहता है, उसी जगह पे मैं एक्सेलरेशन बहुत कम लूंगा और मास बहुत ज़्यादा लूंगा, तो बड़ा सा पत्थर को मैं यहाँ धीरे से भी फेंकूंगा तो जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरेगा तो वहाँ पे इफेक्टिव फोर्स ज़्यादा रहेगा कि नहीं। तो यहाँ पे जो फोर्स है वो डिपेंड करता है मास एंड एक्सेलरेशन के ऊपर। अगर एक बॉडी का मास बहुत ज़्यादा है और एक्सेलरेशन कम है तो भी इफेक्टिव फोर्स ज़्यादा रहेगा, अगर मास कम है एक्सेलरेशन ज़्यादा है तभी इफेक्टिव फोर्स रहेगा, लेकिन अगर मास भी कम है और एक्सेलरेशन भी कम है, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन इज लेस देन द फोर्स विल बी लेस, इफ इट इज मोर देन इट विल मोर। अगर किसी एक चीज़
ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट है ही नहीं, इनका प्रोडक्ट अगर ज्यादा होता है तो फोर्स इफेक्टिव फोर्स भी ज्यादा होगा, और कम होता है तो इफेक्टिव फोर्स भी कम होता है। तो ये है हमारा न्यूटन्स का सेकेंड लॉ, यहाँ पे फोर्स का गेटिंग द फोर्स वैल्यू ऑफ फोर्स फ्रॉम द न्यूटन्स सेकेंड लॉ। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका कुछ सवाल करेंगे। सो गाइस यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन क्या दिया है, एक कार ऑफ मास 1000 kg इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 m/s एंड इज एक्टेड अपन बाय अ फॉरवर्ड फोर्स ऑफ 1000 N ड्यू टू द इंजिन एंड रिटार्डिंग फोर्स ऑफ 500 N ड्यू टू फ्रिक्शन, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी आफ्टर 10 s। क्वेश्चन को समझो, एक कार है जिसका मास कितना है 1000 kg है, इन मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 10 m/s, इसके इनिशियल वेलोसिटी कितना है 10 m/s है, एक्टेड अपन बाय फॉरवर्ड फोर्स, पहले जब गाड़ी इंजन को स्टार्ट किए तो इंजन स्टार्ट करने से फॉरवर्ड फोर्स दिया, फॉरवर्ड फोर्स कितना दिया 1000 N अमाउंट ऑफ फॉरवर्ड फोर्स दिया, तो गाड़ी जब रोड से ऊपर जा रहा है कि नहीं, तो फॉरवर्ड फोर्स जैसे ही दिया तो फ्रिक्शन के वजह से, फ्रिक्शन क्या होता है अपोजिंग फोर्स, फ्रिक्शन सिंपली इज अ अपोजिंग फोर्स विच अपोज द अप्लाइड फोर्स, ठीक है, अप्लाइड फोर्स का ऑपोजिट डिरेक्शन में फ्रिक्शन काम करता है कि नहीं, तो वहाँ पे ऑपोजिट डिरेक्शन में मतलब ऑपोजिशन फोर्स यानी तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना दिया गया 5 N उसको फ्रिक्शनल फोर्स मिला जिसको बैकवर्ड, ठीक है। और तो हमें पूछा व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी आफ्टर 10 s, आफ्टर 10 s में हमको इसका वेलोसिटी कितना होगा वो पूछे। तो जब न्यूमेरिकल सॉल्व करो तो आपको पहले एक चीज ध्यान रखना है, आपको क्या क्या गिवन है उसको कंसिडर करना है, एक तो पहले क्वेश्चन को उल्टा तरीके से पढ़ के भी आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हो, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी आफ्टर 10 s, मतलब क्या हमको वेलोसिटी वी निकालना है। अच्छा तो वेलोसिटी वी निकालने के लिए हमको पता है इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े थे, वी इक्वल्स टू था हमारा क्या यू प्लस ए टी था, ठीक है। तो हमारे पास u है, क्या देखते हैं यहाँ पे है क्या है मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 m/s, पहले इसका इनिशियल वेलोसिटी u दिया हुआ है कितना 10 m/s, इतना उसका इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है। अच्छा टाइम दिया हुआ है क्या आफ्टर 10 s पूछे ना, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी आफ्टर 10 s, मतलब टाइम भी t भी दिया हुआ है कितना 10 s। अच्छा और क्या चाहिए हमें, एक्सेलरेशन चाहिए, एक्सेलरेशन है क्या यहाँ पे, नहीं है, हमें एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। अच्छा तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे और क्या दिया है, यहाँ पे मास दिया है इसका, मास m दिया है 1000 kg। अच्छा और एक तो क्या दिया, फॉरवर्ड फोर्स दिया है और रिटर्डिंग फोर्स दिया है। देखो एक बॉडी का फॉरवर्ड फोर्स, इंजन जब स्टार्ट किया उसको फॉरवर्ड फोर्स दिया कितना 1000 N, और उसको बैकवर्ड फोर्स जो इंजन रिवर्स फ्रिक्शन के वजह से बैकवर्ड फोर्स कितना बचा 500 N, तो उसका नेट फोर्स कितना, नेट अभी देखो ये फॉरवर्ड फोर्स ज्यादा है तो बॉडी फॉरवर्ड ही जाएगी, नेट फॉरवर्ड फोर्स कितना आएगा यहाँ पे, नेट फॉरवर्ड फोर्स आएगा हमारा 1000 N माइनस 500 N, तो आ गया कितना 500 N, क्योंकि बॉडी इतना फॉरवर्ड है इतना रिवर्स है तो इसका नेट कितना आएगा 5 N फॉरवर्ड फोर्स आया। अच्छा तो हमें अभी एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, वेलोसिटी निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। तो हमें पता है अभी थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े एफ इक्वल्स टू एम ए पढ़े हम लोग, मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो हमारे यहाँ पे फोर्स दिया हुआ है क्या, हाँ भाई सब दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 500 दिया हुआ है, मास दिया हुआ है क्या हमारा यहाँ पे, हाँ भाई सब दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1000 kg दिया हुआ है, एक्सेलरेशन है क्या यहाँ पे, नहीं है, हमें एक्सेलरेशन निकालना, तो हम लोग एक्सेलरेशन निकालेंगे क्या, एक्सेलरेशन क्या आएगा ए इक्वल्स टू आ जाएगा 500 / 1000, तो आ गया 1/2 m/s। आगे एक्सेलरेशन कोई दिक्कत है, नहीं है। अब जैसे ही एक्सेलरेशन आ गया हमें क्या पूछा है, वेलोसिटी पूछा है, तो वेलोसिटी निकालेंगे कैसे, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, तो u कितना है भाई साहब 10 दिया हुआ है, a कितना है अभी तो निकालें, हाँ टाइम कितना दिया हुआ है आफ्टर 10 s पूछा है कि नहीं, तो आफ्टर 10 s तो ये हो गया, तो आ गया कितना 15 m/s, तो आ गया वेलोसिटी आपका, तो वेलोसिटी इक्वल्स टू 15 m/s, क्या बात आपको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है यहाँ पे, देख लो और एक करेंगे। सो अभी करते हैं दूसरा सवाल, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बुलेट ऑफ मास 0.04 kg मूविंग विद स्पीड ऑफ 90 m/s एंटर्स ए हैवी वुडन ब्लॉक एंड इज स्टॉप्ड आफ्टर अ डिस्टेंस ऑफ 60 cm, व्हाट इज द एवरेज रेजिस्टिव फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक ऑन द बुलेट। अभी सिंपली क्या है, यहाँ पे एक बुलेट, यहाँ पे एक वुडन ब्लॉक है, ठीक है, इस वुडन ब्लॉक में टकराता है क्या, यहाँ पे एक बंदूक का गोली, बंदूक का गोली यहाँ पे इसको टकरा है, तो टकराते क्या है ये, देखो उतना भी ये कमजोर नहीं है, ये क्या हुआ थोड़ा अंदर गया जाके, क्या हुआ इसका रेजिस्टिव फोर्स, जब जैसे इसको
ये अंदर एंटर किया, ये वुडन ब्लॉक किया, इसको रेजिस्टिव फोर्स दिया, इसके वजह से क्या हुआ, कुछ देर जाके यहाँ पे आ गया रेस्ट में आ गया, ठीक है, ये आ गया रेस्ट में। तो बुलेट ऑफ मास 0.4 kg, हम लोग को यहाँ पे पूछा है क्या, द एवरेज रेजिस्टिव फोर्स पूछा, मतलब फोर्स निकालना है रेजिस्टिव फोर्स। तो यहाँ पे कुछ रिटार्डेशन आएगा, क्यों, क्योंकि बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो धीरे धीरे क्या हुआ, यहाँ पे रेस्ट में आया कि नहीं, अभी जैसे मोशन में था वो धीरे धीरे किसमें, रेजिस्टिव फोर्स में, जैसे रेस्ट में आया तो यहाँ पे रिटार्डिंग फोर्स आएगा, ठीक है। तो हमें पहले यहाँ पे दिया हुआ है क्या, मास दिया है, मास, बुलेट का मास कितना दिया है, 0.04 kg दिया हुआ है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। और क्या दिया है हमको यहाँ पे, मूविंग हुई थी स्पीड ऑफ 90 मीटर सेकंड, मतलब यहाँ पे जो है जैसे एंटर किया, एंटर करते वक्त इसका कितना था, वेलोसिटी था 90 मीटर पर सेकंड, मतलब हमारा यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जो है वो क्या है, यू जो है 90 मीटर पर सेकंड आया। इनिशियल वेलोसिटी क्यों लिया, क्योंकि जैसे एंटर किया हमको इस केस का पूछा है तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी इतना था। तो कुछ देर बाद जैसे रेजिस्टिव फोर्स की वजह से क्या हुआ, रेस्ट में आ गया, तो रेस्ट में आ गया मतलब क्या आएगा, इसका वेलोसिटी जो है फाइनल वेलोसिटी क्या आ जाएगा, जीरो आएगा, अच्छा जीरो आ गया। और क्या दिया हुआ हमें यहाँ पे, डिस्टेंस, अच्छा तो यहाँ पर जैसे यहाँ से एंटर किया वुडन ब्लॉक में, यहाँ से कितना डिस्टेंस कवर करके और रेस्ट में आया, एस कवर करके आया 60 सेंटीमीटर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.60 मीटर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। तो ये सारा चीज़ हमारे पास है, हमें तो निकालना है फोर्स, क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। तो फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है, एफ इक्वल्स टू एम इंटू ए निकालना, एफ इक्वल्स टू एम ए, तो एफ इक्वल्स टू एम ए हमारे पास एक्सेलरेशन नहीं है, हमारे पास वेलोसिटी है और डिस्टेंस है। तो यू वी और एस का रिलेशन को लेके हमारे पास एक्सेलरेशन का कुछ है क्या, जी भाई साहब है, हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या पढ़े हैं, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल्स टू 2as, यहाँ पर देखो वी भी है, यू भी है, एस भी है, हमें चाहिए एक्सेलरेशन, तो निकाल लेते हैं एक्सेलरेशन। तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, सिंपली यहाँ पे पहले a निकाल लेते हैं, तो क्या करेंगे, पहले यहाँ पे वी स्क्वायर 0 का स्क्वायर माइनस यू कितना है 90 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 into a into s कितना है 0.60 है, तो इसको हम लोग करेंगे तो ये तो 0 का 0 स्क्वायर है, यहाँ पे आ जाएगा 81 81 00 माइनस 81 00 इक्वल्स टू आएगा 2a into 0.60। तो इसको सॉल्व करते ही हमारा a जो आएगा -6750। अच्छा यहाँ पे माइनस का मतलब क्या, माइनस का मतलब रिटार्डिंग फोर्स है, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, जिसे एक चीज़ याद रखना है, यहाँ पे वेयर में जो नेगेटिव साइन आता है वो अपोजिट के लिए आता है, तो यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन जो डिक्रीज कर रहा है, इसलिए यहाँ पे ये रिटार्डेशन है, ठीक है, रिटार्डेशन इसलिए माइनस में आया, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अच्छा एक्सेलरेशन आ गया। तो एक्सेलरेशन मतलब क्या, यहाँ पे जो रिटार्डेशन, इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्सेलरेशन को -6 पॉइंट, एक्सेलरेशन कितना लिख सकते हैं, नहीं तो हम लोग लिख सकते हैं रिटार्डेशन, रिटार्डेशन इक्वल टू कितना 6750, रिटार्डेशन का मतलब ये होता है ऑपोजिट ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या पूछा है, द एवरेज रेजिस्टिव फोर्स, तो रेजिस्टिव फोर्स कितना आएगा, रेजिस्टिव फोर्स, ये फोर्स, ये फोर्स जो मास इंटू एक्सेलरेशन, डायरेक्ट वैल्यू पुट करने से वो रेजिस्टिव फोर्स दे दिया, मतलब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं मास इंटू रिटार्डेशन, रिटार्डेशन, तो मास इंटू रिटार्डेशन मतलब कितना है, यहाँ पे हमारा मास कितना है, मास है हमारा 0.04 kg, और जो रिटार्डेशन कितना है 6750 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 6750 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अच्छा तो यहाँ पे हमारा रिटार्डेशन कितना आ गया फोर्स, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमको सिंपली मिल जाएगा 27 न्यूटन, कितना आएगा 270 न्यूटन, ठीक है, तो 270 न्यूटन। तो आपको सिंपली क्या ध्यान रखना है, आपको पहले क्वेश्चन में गिवन क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमारा मास, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एस दिया हुआ है, हमें मांगा है क्या, रिटार्ड रेजिस्टिव फोर्स मांगा है, मतलब फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन, तो हमें यहाँ पे एक्सेलरेशन देनी है, हमें एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, कैसे निकालेंगे एक्सेलरेशन, वी इक्वल्स टू यू प्लस एटी भी डाल सकते थे, क्योंकि लेकिन हमारे यहाँ पर टाइम कुछ दिया नहीं हुआ है, इसको उसको नहीं डाले, इसलिए हम लोग क्या डाले, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू एस इक्वेशन ऑफ मोशन का डाले, तो वहाँ से हम लोग एक्सेलरेशन फाइंड आउट किए। तो यहाँ पे नेगेटिव में आया मतलब क्या, रिटार्डेशन है, यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि बॉडी का पहले यहाँ से धीरे धीरे रेस्ट में आया कि नहीं, तो रिटार्डेशन हो रहा है, तो रिटार्डेशन मिल गया, तो रेजिस्टिव फोर्स क्या आएगा, मास इनटू रिटार्डेशन, तो मल्टीप्लाई किए, सो सिंपली हमारा रेजिस्टिव फोर्स निकल गया। तो ये था हमारे किसके बारे में, न्यूटन्स लॉ और उसके रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो पे, तो बने रहिए हमारे साथ अपना गुरुजी पे। जय हिंद दोस्तों।